रोशन भाभी, रोशन भाभी, अरे थांबो ना ना, अरे थोड़ी की कोई गलती नहीं थी। कैसे गलती नहीं है? मेरे मना करने के बाद भी उसने पार्टी शादी की। अगर मैं नहीं आती थी तो वो अपनी पार्टी शादी कंटिन्यू करता कि नहीं? बोलो, करता कि नहीं? नहीं करता रे, वो तो बिचारा। बिचारा? आपका दोस्त बिचारा? अब भी मैं उसको फोन करके ये प्रूफ करती हूँ कि आपका बिचारा दोस्त कितने अच्छे से झूठ बोलता है। आप गिनना उसके झूठ। हाँ, कीगल तू अभी तक सुता नहीं? नींद नहीं आ रही? चल मैं तनु लोरी सुनाता हूँ, झट से नींद आ जाएगी। सो जा। अरे भाई तू शांति रखना भाई। ओए पप्पू, रोशन का फोन है। ये देखो, रिंग जा रही है, फोन नहीं उठा रहा है। अरे रोशन भाभी का फिर से क्यों फोन आया? अभी थोड़ी देर पहले तो बात हुई थी। अरे ठंडे रख मेरे यारा, वो हो सकता है ना रोशन मेरी याद आ रही हो इसलिए फोन कर रही हो। याद आ रही है कि पता चल गया कि तू यहाँ पर छिपा हुआ है? ओए पप्पू, अगर पता चल गया होता ना तो वो ऐसे फोन नहीं करती, हॉकी स्टिक लेके यहाँ सीधा तेरे घर पे आ जाती। फिर भी भाई तू फोन मत उठा, तू फोन उठाता और कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। अरे पप्पू, दो नींबू अंदर गए हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर फोन नहीं उठाऊंगा ना तो उसे शक हो जाएगा। ठीक है उठा, लेकिन स्पीकर पे रखना। तू हस्बैंड वाइफ की बातें सुनेगा? रखता। हेलो रोशन डार्लिंग, मेरी इरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी, की गल रहनी जा रहा मेरे बिन? ऑफ कोर्स रोशन डार्लिंग, आई एम मिसिंग यू सो मच। अच्छा रोशन, तूने फोन उठाने में इतना टाइम क्यों लगाया? वो क्या है ना रोशन डार्लिंग, वो हाईवे पे मैं गड्डी चला रहा थी। अब गड्डी चलाते हुए मैं फोन कैसे उठा सकता हूँ? तो अभी कैसे उठाया? साइड में गड्डी पार्क करके तेरा फोन उठाया है। रोशन, मुझे आजू बाजू कोई गाड़ियों की आवाज नहीं आ रही, तू नक्की गाड़ी चला रहा है ना? ढाबे पे हूँ, ढाबे पे। साइड में मतलब मैंने ढाबे पे गड्डी पार्क करके तुझा फोन उठाया है। तो चाय पी के तुरंत निकल जाऊंगा, ढाबे पे हूँ ना इसीलिए तेनु गड्डियों की आवाज नहीं आ रही है। एक्ट्रिक जाली एक्ट्रिक। ओके ओके मरु रोशन, तू अपना ध्यान रखना। ओके ओए मेरी रोशन डार्लिंग, तू भी अपना ख्याल रखी, बहुत मिस कर रहा हूँ तुझे। टेंशन मत ले रोशन, थोड़ी देर में मिलती हूँ ना तुझसे। की मेरा मतलब है कि थोड़ी देर में सुबह होने वाली है, राइट? तो मैं मिलूंगी सुबह को तुझसे, है ना? हाँ हाँ, मिलना ही है ना, सुबह होते ही मैं तेरे पास आऊंगा। हाँ ठीक है, गाड़ी शांति से चलाना। ओके हाँ सुनिए, तू फिकर ना कर, और गड्डी में शांति से ही चलाऊंगा। चंगा मैं फोन रखता हूँ। आई लव यू टू। आई लव यू सो मच रोशन। देखा आपके दोस्त ने कितने झूठ बोले, कोई बेचारा नहीं है वो, बेचारो। अभी भगवान ही बचा है सोड़ी को। अहो हेलो हेलो हेलो, अरे बच गया भाई, रोशन भाभी को सच पता चल जाता ना तो हड़कंप मच जाता तेरी जिंदगी में, इसीलिए मैं बोल रहा था कि फोन मत उठा। ओए भस्कर पप्पू, ये डरना और डराना, बस एक गड़बड़ हो गई। क्या? एक एनिवर्सरी वाले दिन मुझे मेरी पोली पार्सन को ना झूठ बोलना पड़ा, लेकिन कोई गल नहीं जी, वो कल मैं उसके लिए बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट लेकर आऊंगा। आज रोशन को गिफ्ट में हॉकी स्टिक की पिटाई मिलेगी। रोशन टूटो गए। बच गया पप्पू, बच गया।
और मेरे सर पे मंडराते हुए संकट के काले बादल अब हट गए। रोशन सोच रहा होगा कि उसके सर पे मंडराते हुए संकट के बादल हट गए, लेकिन आज ये बिजली ऐसी कड़केगी कि उसकी हालत फटे हुए टायर जैसी हो जाएगी। बरोबर बोलता है क्या? चला बस बस पप्पू, थोड़ी देर और। अगर मैं पहले बचाऊंगी तो पुपर भाई मुझे देख लेंगे और दरवाजा नहीं खोलेंगे। फिर भाई आप पहले बचाइए, आप सामने आइए, आपको लेके खोल देंगे। मैं और मारी भी छुप जाते हैं। लंगूड़े मीका, मीको झूठ का साथ दिया था ना, अभी सच का भी साथ दीजिए। लंगूड़िया आगे कुआं पीछे खाई है? कुछ नहीं भाई। अरे एक मिनट, कोई भी इशारेबाजी नहीं चलेगी, हम लोग देख रहे हैं आपको। इशारेबाजी काय करना रे? ठीक है ठीक है, तुझे सांगता है का? कौन होगा? कि संकट के बादल वापस तो नहीं आ गए? रोशन भाभी तो नहीं है? क्या जी गलत कर रहा है पप्पू, अभी तो तेरे सामने उससे फोन पे बात हुई है, वो मेरी पोली पार्सल तो घर पे ही थी। यार कोई अपना यार शार होगा, अपना हालचाल पूछने के लिए आया होगा। तू निश्चित होके दरवाजा खोल। नहीं भाई, रिस्क नहीं ले सकते, तो रुक पहले देखना पड़ेगा। चल अरे ये तो भीड़े है। देखा मैंने कहा था ना, तो खोल दे दरवाजा। एक मिनट एक मिनट, ये आंखों से अजीब इशारे कर रहा है। आज जो है ना चॉइस नहीं, वो उसके चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा, इसलिए आंखें चुगला रही होंगी। उसने कुर्ता भी नहीं पहना है, बनियान में आया है और बहुत डरा हुआ लग रहा है। पक्का कुछ गड़बड़ है। ओए पप्पू तू खामखा शक कर रहा है, पीड़ू तो अपनी टीम का है, तू खोलना दरवाजा। अरे अगर उसे आना होता तो फोन करके आता ना, ऐसे अचानक आधी रात को क्यों आता? मैं बोल रहा हूँ ना, पक्का कोई गड़बड़ है। पप्पू ये शक का कीड़ा तेरे दिमाग से निकाल, कोई गड़बड़ नहीं है। अरे क्राइम रिपोर्टर तू है कि मैं हूँ? मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, पक्का कोई ना कोई गड़बड़ है। एक मिनट, सॉरी यहाँ जा, यहाँ छुप जा। और पप्पू तू भी छुप जाएगा, मैं भी छुप जाऊंगा, तो फिर दरवाजा कौन खुलेगा? तू छुप जा इधर आके, जल्दी 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 जा। ओके ठीक है ठीक है। अरे भैया तू क्या हुआ? कांच कांच है मारा, रोशन कांच छुपा दिया चे। रोशन आज तू तू गयो, रोशन पापड़ भाई मेरा रोशन किधर है? मारो रोशन कांच है। उठी तो अपना इधर गया है ना, वो कहाँ है, वो कहाँ गया है? उदवाड़ा नहीं गया है भाई। तो कहाँ गए? वो कहीं नहीं गए पोपटलाल, ड्रामा बंद करो अभी, इन्हें सब पता चल गया है। क्या? इन्होंने हमें सच बता दिया है पोपट भौजी कि सोडी भाई आपके घर में है। अरे पीड़ू की कीता तू? नहीं नहीं तो नहीं नहीं, मेरे घर पे कहाँ है सोडी, है ही नहीं इधर। नहीं अगर इधर नहीं है तो वो पक्का अंदर छुपा होगा। आपको ऐसा लगता है ना कि वो अंदर छिपा है, तो आइए ना देख लीजिए, आइए 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 अंदर आइए, देखिए देखिए जाना, आइए 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 देख लीजिए है कहीं पर सोटी, देख लीजिए आप। नहीं है मैंने बोला ना है ही नहीं।
बेटे इनको सब सच क्यों बता दिया? क्यों गद्दारी की? अरे गद्दारी नहीं की मैंने पोपटलाल, इन दोनों ने मिलके मुझे घेर लिया था और माधवी ने तो मुझे मायके जाने की धमकी दी थी, तो क्या करूं मैं? सब सच बताना पड़ा मुझे। अब ये सब छोड़, सोड़ी कहाँ है? सोड़ी को कहाँ छुपाया है? वो तुझे नहीं बताऊंगा, तू इनको बता देगा गद्दार। अरे बेडरूम में तो नहीं है, इसका मतलब पक्का किचन में होगा। आइए आइए किचन में देख लेते हैं, आइए ना, आइए 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 किचन में भी देख लेते हैं। आइए 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 देख लीजिए किचन में है कहीं सोड़ी, देख लीजिए आराम से देख लीजिए। अरे नहीं है, मैंने पहले ही बोला आपको कहीं नहीं है सोड़ी। हाँ रोशन तो किचन में नहीं है, तो चलिए फिर आइए 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 आइए। मैंने आपको पहले ही बोला था सोडी मेरे घर पर नहीं है, बेडरूम में भी नहीं है, किचन में भी नहीं, हॉल तो आपने पहले ही देख लिया था। ये भीड़े क्या फालतू अफवाह फैला रहा है? भीड़े भाई ओहो काय चल रहा है सगळं? हां काय सोडी भाई? अरे सोडी भाई यही है, तुम्हें मालूम है मुझे फोन आया था संकटलाल, संकटलाल ये इसी का फोन था, इसने मुझे बताने के लिए फोन किया था कि सोड़ी भी मेरे घर पे छुपा हुआ है, रोशन भाभी को बोल दो घर पे जाए। ए, भिड़े, भिड़े। क्यों फंसा रहा है मुझे? नहीं है यहाँ पर। यहाँ नथी तो कमाल है, रोशन गया किधर? यहाँ भी नथी। पक्का रोशन इधर नहीं है ना? अरे नहीं रोशन भाभी नहीं है। पक्का? शोर यहाँ पे नहीं है ना? नहीं नहीं 200% नहीं है। अच्छा पछी आए बैग को नीचे। हाँ ये मेरी बैग है रोशन भाभी। मेरी बैग है। अच्छा हाँ। आप वो एक मिनट रोशन भाभी, एक मिनट आप रुकिए रोशन भाभी, रहने दीजिए प्लीज। अरे रहने दीजिए। अरे शर्ट भी आपका है? हाँ ये शर्ट भी आपका है? ये तो सोड़ी का है। पोपट भाई ये कपड़े भी रोशन के हैं और ये बैग भी रोशन की है। इसका मतलब सोड़ी भाई पक्का यही है? हाँ मैंने सच बोला था माधवी। पोपट भाई बताओ मेरा रोशन किधर है, कहाँ छुपा है? जी, आपको आपके होने वाले पत्नी की कसम, बताइए सोड़ी भाई कहाँ है? अब तो झूठ बोल ही नहीं सकता। आजा भाई सोड़ी, बाहर आजा भाई। अरे अरे आजा भाई। अयो अगवी ये जगह देखना तो भूल ही गए। मतलब रोशन इसके अंदर छुपा है? अयो रोशन इसके अंदर है? मैं बताती हूँ रोशन तो गयो, रोशन बाहर निकल। रोशन बाहर निकल। रोशन बाहर निकल। सोड़ी बाहर आजा भाई। आइए ना सोड़ी भाई। एम नहीं माने रोशन। रोशन
अरे पोपटलाल, तुम आजीवन कुंवारे रहोगे। तुमने अपने होने वाले पति की झूठी कसम खाई। रोशन तू इधर नहीं है। अरे नहीं नहीं भाई, मैंने कोई झूठी कसम नहीं खाई। आप लोगों के आने से पहले मैंने सोनी को यही छिपाया था। पोपट भाई, पोपट भाई, आप अपनी बहनों से तो सच बोलिए। हम दिन रात खुदाई जी से प्रेयर्स करते हैं, आपके लिए लड़की ढूंढने की कितनी कोशिश करते हैं, और आप हमारे साथ ऐसा कर रहे। हमको सच नहीं बता रहे, हमसे झूठ बोल रहे। पोपट भाई बताइए ना, मेरा रोशन किधर छे? अरे रोशन भाभी, मैं अपनी होने वाली बीवी की झूठी कसम कभी नहीं खाऊंगा। मैंने सच में सोड़ी को यही छिपाया था। तो फिर सोड़ी भाई गए कहां? Exactly. एक मिनट, हम लोग जब उसे ढूंढने के लिए बेडरूम में गए ना, तब वो यहाँ से भाग गया होगा। अभी गया कहाँ होगा वो? जहाँ भी गया होगा वो आज बचेगा नहीं। एक मिनट रोशन भाभी, आप यहीं रुकिए, मैं उसे फोन करके यहीं बुला लेता हूँ। एक मिनट पोपट भाई, मैं ही उसको फोन करती हूँ। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, आपका फोन वो नहीं उठाएगा, मैं फोन करता हूँ। हाँ रोशन भाभी, आपका फोन उठाएगा ही नहीं। हाँ करो बच्चे। आपके द्वारा उसको पता चल गया ना कि मैं आ गई हूँ, इसलिए देखो उसने फोन स्विच ऑफ कर दिया। डर पीछो, आज तो मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। सबसे पहले टेरेस। चलो वो साहब, ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं भी देखती हूँ रोशन कब तक छुपता है मुझसे। सोड़ी भाई टेरेस पे ही छुपे होंगे। हाँ, इतना जल्दी वो उधर ही छुप सकता है। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रोशन ने टेरेस के अंदर जाके बाहर से ताला लगा दिया हो? रोशन भाभी, आप इतने गुस्से में क्या बोल रहे हैं? आप खुद को समझ में नहीं आ रहा है। अरे सोड़ी अंदर जाएगा और बाहर से ताला कैसे मारेगा? अरे हाँ, लेकिन कोई और भी तो बाहर से ताला मार सकता है। हाँ, चाबी किसके पास रहती है? भिड़े के पास। अरे क्या भिड़े के पास, चाबी सोसाइटी ऑफिस में रहती है टेरेस की। लेकिन माधवी, मैं पूरा टाइम तुम दोनों के साथ हूँ, मैं कब सोड़ी को छुपाऊंगा अंदर? हाँ बराबर, सही बोल रहा है भिड़े। तो सोड़ी भाई गए कहाँ? अगर टेरेस पे भी नहीं है तो वो पक्का अय्यर भाई के घर पे गया होगा, क्योंकि अय्यर भाई का घर ही पोपट भाई के घर से सबसे नजदीक है। हाँ बरोबर है, हो सकता है। चलो अय्यर भाई के घर। एक मिनट, रोशन भाभी छोड़ दीजिए उसे, माफ कर दीजिए। माफ? और उसे कभी नहीं। अय्यर भी फंसेगा। एक मिनट, आप लोग पीछे रुकिए, जब हम लोग अंदर बुलाएंगे ना तभी अंदर आना। पीछे रुकिए। अच्छा ये तो कहानी में नया ट्विस्ट आ गया। हम सबको लगा था कि सोड़ी पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो पोपटलाल के घर पे छुपा था, लेकिन वो वहां से भी गायब हो गया। और बेचारे पोपटलाल को सच में नहीं पता कि सोड़ी कहाँ गया। लेकिन रोशन भाभी ये मानने को तैयार नहीं है, और माने भी क्यों, क्योंकि सोड़ी सच में पोपटलाल के घर पर छुपा है। फिर सोड़ी ये ना मिलने पर रोशन भाभी आग बबूला हो गए। उन्हें शक है कि पुरुष मंडली ने मिलकर सोड़ी को वहीं छुपाया है, और सब मिलकर उन्हें उल्लू बना रहे। अब वो एक एक करके सबके घर पे जाएंगे और सोड़ी को ढूंढेंगे। बाप रे, सबको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी तब हमारी बीवियां हमारा क्या हाल करेंगी। सोड़ी नाम की चिंगारी ने सबके घर पे आग भड़का दी। लेकिन सवाल ये है कि सोड़ी गया कहाँ, किसके घर पे छुपा? रोशन भाभी नामक ये जो टेंशन है वो अय्यर के घर पे आ चुकी है,
अब वो सोडी को यहाँ पे ढूंढेगी। जी हाँ, अब पता चलेगा कि सोडी यहाँ पर है या नहीं है। अब सोडी और हमारा क्या हाल होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.